आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में टूल बार का यूज कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम न्यू पेज ओपन करेंगे। हम न्यू पेज का कोई भी साइज ले लेंगे और हम इसमें बैकग्राउंड को पहले अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद में हम रेक्टेंगल यूज टूल में लेंगे। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। हम इस बॉक्स में कोई भी कलर फिलअप कर सकते हैं। कलर फिलअप करने के लिए हम बाकेट टूल लेंगे और सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। रेक्टेंगल के इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं प्रॉपर्टीज में। न्यू सिलेक्शन, ये सेकंड नंबर का बॉक्स है। इसके अंदर आप देखिए दो बॉक्स है और अंदर से कुछ नहीं है। अगर हम ये बॉक्स बनाएंगे, जैसे हमने ये एक बॉक्स बनाया, फिर हमने ये दूसरा बनाया, हम जिसको जितना अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर से गायब हो जाएगा, दोनों मर्ज हो जाएंगे। और फिर हम इसमें कलर फ्लिप कर सकते हैं। ये कलर फ्लिप हो गया। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। फिर इसके अंदर है थर्ड ऑप्शन है सेपरेट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे हमने ये बनाया एक बॉक्स, फिर एक और ये बनाया पास में, हम इसको जितना सिलेक्ट करेंगे वो उतना हट जाएगा। इसको काटने के लिए सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है तो हम इसको हटा सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज, यानी हमको जितना सिलेक्शन बढ़ाना है, बाद में जैसे हमने एक बॉक्स बनाया हमें इसे और बढ़ाना है, तो हम इसे यहाँ से जितना बढ़ाना है उतना खींच के कर सकते हैं। यानी ये बॉक्स को और छोटा कर रहा है ये। हम जितना इसको सिलेक्ट करेंगे उतना वो उसी एरिया का रहेगा। जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, अब हमें इसे खाली इतना रखना है, हम जितना सिलेक्ट रखेंगे सिलेक्ट के अंदर अंदर वाला हिस्सा रहेगा। फिर है एलिप्स है, पूरे लेयर को डिलीट कर देते हैं। और ये हमने बनाया यहाँ पे इलिप्स, इलिप्स बना दिया। फिर हम इसके अंदर कोई भी कलर ले सकते हैं। हम ऐसे ऐसे इसमें करके कुछ भी बना सकते हैं और फिर हम इसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। अल्ट बैक स्पेस से हम इसमें कलर भर सकते हैं। सिलेक्शन एंटर के लिए कंट्रोल डी। फिर ये सिंगल रो है, हमने ये यहाँ पे एक लाइन खींची यहाँ पे। फिर हम इसको इसमें एडिट ऑप्शन में जाके स्टॉक हम इसमें दे देते हैं, 10 का स्टॉक दे देते हैं, तो हमारे यहाँ एक लाइन आ जाएगी। फिर हम सिंगल कॉलम ले लेते हैं। फिर हम इसमें स्टॉक दे देते हैं और सिलेक्शन पा जाते हैं। हमारा एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा डिजाइनिंग के लिए। इसी तरह हमारा ये रेक्टेंगल का टूल कंप्लीट हो गया है।